वन विभाग की ओर से होगा। अब गायों के चारा वगैरह खिला के हुए यह है सुबह 10:30 का समय हो रहा। अभी खाली टहलने के लिए खोला दे के बताए वो बालाजी के तब चल जाती है आपकी गायें, तो इसलिए उनको देखने जा रहा हूँ कि आगे नहीं निकलेंगे। देख लो वो टॉप पहुँच गई, आगे आगे जाएगी, मेरे को लग रहा है उधर ही आएगी। पर अभी यहाँ नदी चल रहा है गायें पकड़ने का, ज़बरदस्ती हल्डा हल्डा टाइम चल जाए कि वहाँ उनको ये पता थोड़ी मेरी गाय है जो घर में सेवा की जा रही है। अब जानवर बॉर्डर का पता नहीं इनको, वो देखो बरोबर जाएँ जाएगी ठेठ। अब मैं इतना सा काम बताने के लिए रह गया, ये देखो पूरी भूमि ये किशन इसका वन विभाग का पहाड़ी आ गई है जयपुर उत्तर किशनबाग, और ये डंडा आ गया इसका वन विभाग का, डंडे से बाहर बनी हुई है पूरा किशनबाग ये, और इधर ये स्वर्ण जयंती का रेलिंग की जो दीवार है वो आ गई पूरी। ये पानी भरा हुआ बारिश का पानी था, सूख गया बिल्कुल ही, और वो गाय मेरी उधर आगे निकल गई। इस जगह पे अभी कुछ महीनों पहले शूटिंग हुई थी, अजय देवगन जी आए थे और गाड़ियों का कोई रेस था उसमें शॉट तैयार किया था तो वो शॉट यहाँ ही तैयार हुआ था। वो बारिश आई थी अभी जब सावन की, तो ये ऊपर तक भरा हुआ था पूरा पानी, अंदर से यहाँ जा नहीं पाते थे। अब सूख के ये पानी नवरात्र का समय चल रहा, सूख के इतना सा रह गया, जितना सा पानी उस समय जब वो भैंस है, क्योंकि ये जंगली जो मक्खियाँ इनको परेशान करती तो ये पानी में डूबी रहती हैं, फिर कीचड़ लगा के बाहर निकल जाती हैं। ये अपनी व्यवस्था बना के रखती है हिसाब से ही पूरा। ये लकड़ पहले यहाँ पड़ा हुआ था, अब यहाँ से पानी जब ऊँचा आया तो इसको अंदर उठा के और इसको उधर वहाँ लगा दिया। अभी तो काफ़ी आदमी लगते जब इसको उठा के लेके जाते हैं क्रेन आदि तक उठाते, लेकिन ये पानी में इसको यहाँ से उठा के और ऊपर ऊपर करके इधर की हवा होगी ऐसा रख के इधर आया, तो इधर ये यहाँ पहुँच गया। अब इतना बड़ा लकड़ है कि ऐसे 20-25 आदमी मिल के उठाते तब उठ जाए, और पानी ने इसको अदर करके इधर धर दिया। चलते हम गाय को देखता हूँ मेरी बागे कहाँ पहुँच गई, वहाँ आदमी के पीछे पीछे आना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि मेरे को कल पता चला कि बालाजी के ऊपर चढ़ी है गायें, तो संभालना पड़ेगा इनको जाके, कल से बांधने का रास्ता बना दूंगा इसको, फिर उधर ऊपर किशन बाग में घुमा के लाने का काम करूंगा, घंटे दो घंटे देने पड़ेंगे इनको भी। गई वो आगे निकल गई, आगे पीछे शूट करने में रहेगा था प्रोग्राम को, तो आगे निकल गई वो, आगे जाके देखना पड़ेगा मेरे को। ये पूरा इधर ये मायला बाग का और मायले के बाग के इधर की साइड की जो पहाड़ियाँ राममेर जयगढ़ से जुड़ी जो इधर की पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों का पानी यहाँ आके इकट्ठा होता है। चलो ये यहीं मिल गया अभी तो। अब इनके पास नहीं जाऊँगा, मेरे चिपक के रहेगी फिर ये, बस थोड़ा देख जाऊँगा उसके बाद में घर जाना है, नवरात्र चल रहे हैं कि शाम को फिर मेरे को माता जी के वहाँ जाके नवरात्र वहाँ विराजमान कर रखे, तो वहाँ काम करके आना पड़ेगा। आज अष्टमी हो गई, गई वो कुछ चीज़ें रुकी यहाँ पे और वो निकल गई आगे की साइड, वहाँ चलना पड़ेगा आश्रम, लगता मेरे घंटे दो घंटे ही खराब होंगे, क्योंकि अगर ये बालाजी जा रही तो फिर इसको बंद करना पड़ेगा। कल से घर पे बांध के और कुछ चारा करता, पहले गायों को पटकता था लाके, तो इनका भी जंगल से थोड़ा घास वगैरह काट के ले जाके पटकने भी काम करना पड़ेगा। आगे मत जाना पड़ेगा, बालाजी से जाना ही मत, घर आ जाना शाम को, अब जा रहा हूँ घर पे मैं। ये ऊपर वन विभाग ने भी रोड निकाली, वो रोड जारी और ऊपर बालाजी का स्थान है, ये चौधरी जी ने भी संभाल रखा, अच्छी व्यवस्था कर रखी है वहाँ पे। और भोलेनाथ का मंदिर दिखाता हूँ अभी, ये सड़े एरिए में सती जी का, जहाँ मैं अभी नवरात्र स्थापना कर रखी मैंने, शाम के समय फिर आऊँगा घर, अभी आके जा रहा हूँ यहाँ पे, इन गायों से करवाना पड़ा। ये सामने जो दिख रहा है ये
सामने सामने बीचों बीच भोलेनाथ का मंदिर है, पापड़े से महाजी नाम रखा, पापड़ गांव था ये, पापड़ की चौकी कहलाती थी आमेर के समय में। और ये सामने इस कोने के अंदर देखो ये पेड़ की झाड़ी लटकी हुई दिख रही है, यहाँ सती जी का मंदिर है। और इधर से ये बालाजी के रास्ता आ रहा है, उधर विद्यानगर होता है, बालाजी से उतरता हुआ रास्ता आ रहा है इधर। इधर जो किशन बाग से आ रहा रास्ता, से एक रास्ता ये ऊपर होके चढ़ गया, दूसरा रास्ता इधर टीले के नीचे नीचे होके और इधर से जाके भोलेनाथ के वहाँ पहुँच जाता है। तो चारों तरफ का व्यू है। ये हमारी यहाँ पे स्थान मेरार सुरेश जी थे, वो जब भी आते थे यहाँ इस पेड़ के नीचे बैठते थे। और इसको हमारा मिड वे बना रखा था हमने, कुछ सभी सरकारी मिड वे होते हैं जो पहाड़ियों के अंदर ही होते हैं। तो ये बिल्कुल हनुमान जी बालाजी के वहाँ से करीब पड़ता है, इधर किशनबाग गाड़ियाँ लेके आते रोड बन गया, तो यहाँ से करीब पड़ता है। वन विभाग के लिए अगर ये मिड वे बनाना चाहें तो यहाँ ये मिड वे के लिए बहुत अच्छा स्थान है। यहाँ ओपन कुर्सियाँ लगा दी जाए और झोंपड़े टाइप की जैसे लोकेशन होती वैसी लोकेशन बनाए, तो सरकार के लिए वन विभाग के लिए ये अंदर काम चलाने के लिए काफ़ी यानी कि किराया भाड़ा पैसा टका आ सकता है, जो लीज पे भी दिया जाता है। और वन विभाग खुद कैंटीन नुमा चला सकते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा मिल गया, यहाँ पास ही झरना है इसलिए वर्षा ऋतु में भी गई, वर्षा ऋतु तो अभी भी हल्का हल्का कल बारिश हो गई थी तो पानी आ रहा था यहाँ पे, तो यहाँ काफ़ी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। तो यहाँ एक तो मिड वे बन जाए तो यहाँ आराम से लोगों की आवाजाही हो, तो क्योंकि अभी पब्लिक अंदर आने लग गई तो ये सुविधा हो जाएगी, ताकि कोई जानवर यहाँ सभी हिंसक पशु छोड़े गए हुए हैं यहाँ पे, इन पहाड़ियों में कहीं कहीं बैठे होंगे वो, शाम होती जब नीचे उतर जाते हैं तो पब्लिक क्या रातों में आती है यहाँ पर, तो ये प्रॉब्लम हो जाती, तो ये मिड वे जैसे साधन हो। और यहाँ वेजिटेबल ही चले, यानी नॉन वेजिटेबल आइटम रखें नहीं, खाली चाय नाश्ता जितना आइटम, और शाम को वेजिटेबल ही भोजन वगैरह प्रसाद ही हो, क्योंकि मंदिर प्रांगण स्थान है इसलिए यहाँ पे यही काम रखे, इसके अलावा कोई काम नहीं रखा। अच्छा मिड वे चले यहाँ पे सरकार की तरफ से, जो सरकार की तरफ से बनाया जाता है। चलते अब ये हमारे सपनों का मिड वे है मेरा और सुरेश जी के। ये भी रोड जो बनाया है ये पूरा नीचे से उतर के इधर से जा रहा है और ऊपर माता जी की चढ़ता हुआ इस पहाड़ी के बगल में होता हुआ जेसिला वगैरह है उधर जाता हुआ मायलाबाग को कवर कर रहा है। और इधर से ये अंदर जाके इधर ये मायलाबाग पहुंच रहा है, इस पहाड़ी के पीछे होके ठहर उधर पीछे होके पीछे मायलाबाग है। कभी चलेंगे तो वहाँ का लोकेशन दिखाऊंगा मैं, अभी चलते हैं। वीडियो कंप्लीट हो गए यहीं पर, गाय आज ही यहीं रहेगी, अभी समय नहीं मेरे को, घर जाके नहा दूँ मैं, फिर शाम को आने की तैयारी करनी, क्योंकि आज अष्टमी है, अष्टमी का भोग भी लगेगा आज मेरे माता जी के। कल डबल सात बन गई थी जो भोग लगा नहीं पाया, बना लिया था लेकिन भोग लगा के नहीं गए। आप बस अष्टमी का हमारे जमाए माता रखेला माता पूछती थी उनका हवाई जहाज जा रहा है देखो। वीडियोग्राफर को काफ़ी चीज़ें मिल जाती प्रकृति में आने के बाद में, अभी मेरा कैमरा जूम नहीं कर रहा क्योंकि सेटिंग में जाके कोई आउट हो रहा था इसलिए जूम नहीं करता, बाकी प्रकृति को अच्छी तरीके से निहार पाता है जो अच्छा फोटोग्राफर और अच्छा वीडियोग्राफर होता है। ये प्रोफेशनल काम है जो आपको दिखा रहा हूँ कि वीडियो कैसे शूट किया जाता है। मेरे वीडियो के माध्यम से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी आपको। चलता हुआ कोई इनको टिप्स बताता चलता हूँ मैं। ये ऊपर सूर्य भगवान है और ऊपर ये कोई इधर से भी हवाई जहाज जा रहा है, वो जा रहा है एक। अब जयपुर में ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के हिसाब से बना हुआ है, इसलिए आजकल क्या है कि अब एरोप्लेन ज़्यादा आवाजाही होगी यहाँ पे। अभी दो प्लेन गए, एक उधर गए और एक इधर गए, फिर लैंडिंग करेंगे दोनों सांगानेर हवाई अड्डे पर। ये पहाड़ी व्यू और देख लो एक बार, गायें इधर ये चलते हुए हमारे घर, शाम को आने की फिर तैयारी करनी पड़ेगी। अभी झरना बह रहा, चलो एक झरना और दिखा सकता हूँ, फिर क्यों आना ही नहीं हुआ मेरे बड़ी बारिश ऋतु में, कल बरसात हुई थी यहाँ झरना बहा था, तो आगे तो 5 मिनट लगे, अभी ये वीडियो और बना देता हूँ। यूट्यूब पे दिखाने के लिए बहुत कुछ है, चैनल बनाओ ऐसी लोकेशन शूट करो, कुछ भी नहीं आता, चेहरा नहीं दिखाना चाहते हो मत दिखाओ। यूट्यूब ये नहीं कहता कि तुम चेहरा दिखा के वीडियो बनाओ, अपना वीडियो कलात्मक जो तरीका है उस आधार पर आप अपने लोकेशन को खींच गया। यूट्यूब लाइब्रेरी से विदाउट कॉपीराइट ऑडियो लो
आपके वीडियो से सूटेबल और सीधा अपलोड कर दो, एडिटिंग थोड़ी कर दो उसकी। अब ये पहाड़ी का उधर से लिया हुआ वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, ये वीडियोग्राफर को ये चीज़ पूरी देखनी पड़ती कि पूरा लोकेशन दिखे और कैमरा हिलना नहीं चाहिए चलते समय। अभी हैंड स्टिक आती है जो उससे खींचता हूँ, लेकिन अभी मैं हाथ से चला रहा हूँ तो ये चल रहा हूँ, लेकिन वीडियो को हिलने नहीं दे रहा हूँ। पहले अपन झरने के ऊपर चलेंगे, ये बालाजी जा रहा रास्ता और ये मायला बाग जा रहा है, जैसे पहियों का बाग भी वो मायला बाग और अब पब्लिक आती जो अलग अलग नाम रख सकें, लेकिन पहले के समय अनुसार मायला बाग का पानी सूख गया, पहले पानी नहीं आया इसमें। ओके अभी नीचे चलते, चलो नीचे दिखाता हूँ, चल गए ये बालाजी चलेगा रास्ता, आगे जाके थोड़ा वो झंडा दिख रहा है वहीं पे आगे चल के महाराज उनका है कि यहाँ बीच में कोई पुराने समय का स्थान बना हुआ है, उसका भगवान झंडा लगा दी यहाँ पे। नीचे चल के दिखा देता हूँ, कल बारिश आई थी तो उधर का भोलेनाथ का पानी आया, उधर नीचे आगे बह के गया, इधर का पानी नहीं गया। पहाड़ों में हैंड होने का सबसे बड़ा काम होता है, लेकिन आदमी को हैंड नहीं होना, आराम से जल्दबाजी करा काम हो गया, पैर हाथ पे टूट गए तो अकेला हूँ, कोई ले जाने वाला भी नहीं मिलेगा मेरे को, घर पे फ़ोन करूँगा तब को आएंगे लेने लिए, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए जंगल में आते आदमी को। ये सूख गए नहीं, ये झरना बहता था, ये पानी लेके आता था। अब इसका इतना ऊंचा दड़ बना रखा है, इतना मोटा दड़ है कि ये आधा टिका हुआ है, नीचे का बूढ़ा निकल गया यहाँ पे, जब ये पहाड़ बनाई थी झरना गिरने के लिए। अभी इसका ऊपर भी चल के लेके चल कर दिखाता हूँ आपको किस तरीके से बनाया हुआ है, पानी किस तरीके से रोका जाता है, किस तरीके से पानी इसमें से निकाला जाता था। अब कोई सामान नहीं होना, नहीं तो पानी अभी ये क्यारियों में भरा हुआ है, समय नहीं मिल पाने के कारण अभी पैर भी फंस गया था, समय नहीं मिलने के कारण ये वीडियो बहता हुआ जगह का ले नहीं पाया था मैं। अभी अच्छा मनोरम दृश्य जो वो मिड वे चलेगा तो वो इसी कारण से चलेगा, तो यहाँ पे एक तो व्यवस्था ये है कि ब्लड भी देते हैं आने वाली पब्लिक, महिलाएं पुरुष पारिवारिक लोग सभी तरीके आते हैं, तो यहाँ आप भी जानते हो भीड़ भड़का होता है तो भीड़ भड़के के अंदर सभी तरह के लोग आते हैं, तो एक तो वो व्यवस्था बनी रहेगी, दूसरा वन विभाग के माध्यम से सीधे लोग अंदर आके लोकेशनों के अनुसार ही किया कि पार्क नुमा ही है ये, इसलिए पब्लिक की आवाजाही होगी ज़्यादा। और ये सारा लॉकडाउन के बाद में हुआ नहीं, पहले कोई नहीं आता था यहाँ पर, पास में से दिखाता हूँ और चल के, ये लाइव चल रहा है वीडियो, या इंटरनेट व्यवस्था नहीं रहती, अभी लाइव करके दिखा देता आपको। अब यहाँ से जो ये पानी गिरता है तो पानी आता है मायला बाग और आमेर की इधर की जयगढ़ की इधर की ऊपर की साइड की पहाड़ियों का, तो पूरा पानी यहीं से निकलता है, तो इतना ऊंचाई से गिरता है तो झरना गिरता हुआ अच्छा लगता है, और इसमें पूरा पानी गिरता है तो ये खड्डा देख लो अभी इतना गहरा है, जो पानी नॉर्मल हो चुका है तो पानी पार पक्षों की ऊंचाई तक पर निकलता है, ऐसे तो आदमियों का डूबने का खतरा रहता है। उससे अब ये उस समय का बनाया हुआ है, तो ये पूरा भरा हुआ था ये, लेकिन समय के अनुसार अभी वन विभाग का काम है इसको नीचे भरत कराए, पत्थर लगा के अब तो साधन हो गए, ये क्या बोल रहे अभी इन दिनों में कार्य चल रहा था इधर का, अब ये ऐतिहासिक धरोहर है ये, अब वन विभाग की भूमि से वन विभाग वाले कर सकते हैं इस काम को, नहीं आने वाले समय में ये गिरने के पूरे पूरे चांस ये ढह जाएगा, ये प्रकृति की बनी हुई चीज़ लॉफ हो जाएगी, ये झरना पे टूटा फूटे अवस्था में बहेगा, फिर पूछ नीचे का पूरा माटी खंडन निकल गया, अंदर चल के भी दिखा सकता हूँ आपको। ये पूरा अंदर पड़ा हुआ है, ये ऊपर से अंदर देखो, अब यहाँ क्या है पब्लिक अंदर घुस जाती, मेन प्रॉब्लम ये रहती है कि वर्षा ऋतु का समय होता है, कोई अंदर घुस गया तो दबे के दबे रह जाएंगे। अभी मैं भी अंदर आके शूट कर रहा हूँ तो डर का हिसाब पहले रखना पड़ता है चीज़ों पे घुसने के लिए। ये पूरा देखो ये पहले पूरा ये पत्ता बनाया गया था, फिर यहाँ भरत करके इसको पूरा सेटल किया गया था, ये अभी चारों तरफ से मिट्टी निकल चुकी है इसके ऊपर नीचे से, तो ये वन विभाग का काम है भरने का, यहाँ आने वाले समय में कोई ना कोई हादसा होने की संभावना हो सकती है यहाँ पर।
तो काफी 90 से देख रहा हूँ मैं, 90 से ऐसे कैसे अदर की कावा रही हुई है। पत्थर के पास देखो तो दरार से चलने लगे, पत्थर छूटेगा यहाँ ऊपर, ये एक पत्थर छूट के नीचे गिर गया, जो नीचे भी दिखाता हूँ, ये देखो ये नीचे गिरा तो ये पत्थर ये रहा। अब ऐसे धीरे धीरे गिरना होता है, जर्जर होना चालू हो जाएगा, ये पत्थर यहाँ लगा हुआ था, ये यहाँ से इतना लंबा चौड़ा पत्थर तो ये नीचे गिरा, यहाँ से गिर के यहाँ आ गया। इस प्रकार से गया, ये रुकेगा नहीं अब ज़्यादा समय। भगवान श्री कृष्ण का पेड़ है इसको, वो बोलते हैं कदम का पेड़ है, ये कदम का पेड़ लग रहा है यहाँ नीचे, यहीं जड़ में से स्टार्ट होया हुआ है और ये चढ़ने की शोभा भी बढ़ा रहा है। सामने जब बहता हुआ जो पानी आता है काफी गहराई से बहता हुआ निकलता है, यहाँ से ऊपर चल के दिखाते हैं, अभी साइड में सारा पानी जो आ रहा है ना बहता हुआ जल में से मैं आके ऊपर साइड में से बहता हुआ। फिर चलते हैं ऊपर, अब ये ऐसे एंजॉय करने वाला आते हैं, लोग बोट में पटक के, अब ये कोई बच्चा आएंगे फोड़ देंगे, काश ही काश हो जाता है। सबसे बड़ी व्यवस्था ये भी बात है कि कोई बिना शुगर रुचि के अंदर घुसते हैं, ऐसे लोग काम कर जाते हैं और परिवार के साथ में छोटे बड़े बच्चे आते ही रहते हैं। ये फिर से वो ऊपर आ गए, ये रोड निकाला था तो यहाँ दो उंगली चला के उन पत्थरों को तोड़ा गया था बारूद लगा के, तब ये रास्ता निकला था यहाँ से, ये यहाँ तक ये पूरा पहाड़ था और ये नीचे का व्यू फिर से दिखा देता हूँ। ये ऊपर पहाड़ी का टोप आ गया, ये से बाल ही चलेगा रास्ता, इधर से फुल भरा हुआ आता है पानी, है जब बारिश होती है तो फुल भरा हुआ पानी निकलता है इधर से, जितनी तेज बारिश उतना तेज पानी आता है इधर। और ये मोरियाँ बनी हुई इस साइड में, ये मोरियाँ खोली जाती थी, अभी ऊपर चल के दिखाता हूँ, डाक लग जाती थी राजाओं के समय में, इसको अंदर ये बड़ा है एक वो साइड में उधर छोटा रहा, ये यहाँ भी डाट लगाने के हिसाब से ये पिलर बना रखे हैं, दोनों साइड पत्थरों का बनाया हुआ, तो यहाँ भी कुछ इनको अड़कन लगाते थे, पानी कितना ऊपर नीचे जाना, जो दरवाजे लगते हैं वो बनाए हुए थे। ये इस साइड से इतना कंडे का ये, और इस साइड से इस तरीके से ये कदम का पेड़ ऊपर आ गया, और हम नीचे चल के और दिखा देता हूँ, पानी बह रहा है और बह के सीधा आगे निकल जाता है। और कहीं भगवानों की मूर्तियां हैं, इनको चला गए, अब यहाँ चला गए तो ये मेरे को गणेश जी भी चले गए, और ले चलने की व्यवस्था नहीं, ये भी ले चलता हूँ, शिवलिंग मेरे पास है रखो, ये छोटे से गणेश जी ले सकता हूँ, ये माता जी को विराजमान करते हैं, और इनको सबको माता जी के वहाँ स्थान पर विराजमान कर देंगे, गलत जगह रखा हुआ तो शाम को वहाँ कोने पर जो पहाड़ी दिख रही है उस पहाड़ी के पास नीचे ही माता जी का मंदिर है, वहाँ विराजमान कर दूंगा इनको लेकर के, आता हूँ भगवान बाद में, थोड़ा और दिखा दूँ पता। मेरा काम क्या है कि वीडियो बहुत लंबा ज़्यादा बन जाता है, इस कारण से बनता है कि अधूरा ज्ञान किसी को रास नहीं आता, इसलिए पूरा दिखाना पड़ता है। अभी झरने की व्यवस्था दिखानी थी, झरना पूरा कैसे लगता है, कैसा था ये, अभी उस समय पुराने यहाँ के जो लोग थे वो आनंद लिया करते थे यहाँ का, और यहाँ व्यक्ति बैठाए जाते थे पानी वगैरह खोलने के लिए, तो ये देखो इस तरीके से पूरा ये आगे तक था, पूरा नाली जैसे बना हुआ ऐसा ही उधर बना हुआ, वो पूरा बना हुआ उस साइड वहाँ पूरा रखा हुआ है, ये थोड़ा टूट फूट गया तो समय अनुसार ये पानी निकला करता था, कहते थे यहाँ के किशन बाग के पुराने बुजुर्ग लोग वगैरह बोलते थे। अब ये भी देखो काम की है, माता जी के ले जाऊँगा मैं,
बढ़िया बजने का संसार में वहाँ बसता रहना चाहिए। चलो एक एक सामान इकट्ठे हो गए, अब ठेला वगैरह कुछ लाया नहीं, कहीं यहीं लुका के जाऊँगा ऊपर और वहाँ लगा दूंगा, ड्राइव विराजमान कर दूंगा। ये मुझे टांग मिल जाइए और इधर का लोकेशन दिखा देता हूँ। इधर का लोकेशन है ऊपर सूर्य भगवान इसी चीज पे, सामने को अभी मेरा कैमरा का जूम नहीं कर पा रहा, मैं आपको और दिखाऊँ। वरना भी ने जो हर साल दो चार साल से ये झंडा लगाने लग गए, तो हमारे भारतीय झंडा है तो हमेशा लगा के आता है, खड़ जाता है फिर दूसरा लगाया था। लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, दिखाने की जो चीज़ थी वो दिखा दी आपको, और मैं जब वो विराजमान उनको ले जाता हूँ, वो काम मिल गया मेरे को, ये सब को ले लिया मैंने यहाँ से। एक भगवान को जेब में बैठा लिया, एक को यहाँ से भोलेनाथ के शिव को जेब में डाल लिया, ओगरे बजरे से इनको इस जेब में डाल लिया। चलता हूँ इसको अभी रास्ते में कहीं छुपा के जाता हूँ इनको, फिर शाम को आते समय मंदिर ले जाऊँगा इनको सबको, और या हो सके तो घर पर दिखाने के लिए पहले घर ले जाऊँगा, घर नहीं ले जाऊँ घर से फिर लाना पड़ेगा मेरे को दूर। चलते चलो अब वहाँ विराजमान होगा उसको होने के ऊपर मंदिर पर आप जाके, हाथ में अभी ऐसे चलोगे सबको लटके हुए, मेरे पास साधन नहीं बिल्कुल भी, खेला होता तो सैलम विराजमान के लिए आपको सबको। चलते हैं गायों को संभालते फिर आपको लुखा चलता हूँ यहाँ पे। अब इस समय शाह शाह बोल रहा जंगल पूरा, सभी पशु जो हिंसक पशु जानवर वगैरह हैं सब अंदर पहाड़ियों में ऊपर है, सब अंदर की साइड में, नीचे कोई भी नीचे बैठा भी होगा तो साथ के आराम से पेड़ के नीचे आराम कर रहा होगा। बाकी अचानक आना गलत होता है, अकेला आदमी का यहाँ पे, और आदमी मुँह उठाए चले आते हैं यहाँ पे। इधर नींव गए नीचे से सोचर भी गए, इधर झरने से शॉर्ट कर उतर के जा रहा रास्ता, अभी हम उधर से आए थे और अभी इधर सोचर के जा रहा हूँ, रास्ता होगा तो जाने का, जा रहा पर जल्दी जा रही है, वो इधर से उतर के कहीं आगे निकल गए। अभी गर्मी के दिनों में पूरा रास्ता खुल जाता है, अभी पेड़ वगैरह आए हैं हरियाली है, इसलिए पग जल्दी जा रही है नीचे, वो इधर उधर ही हो गई यहाँ पे, वीडियो बनाने गया था जो निकल गई थी वहाँ पे। इधर से गई नहीं क्योंकि खोज होकर इधर से निकल गए, ये गच कर कल की बारिश हुई ना मिट्टी भूली हो रखी है, ये नीचे उतर गए हम पहाड़ी पे। इधर से जो चल रहा था उधर से हम गए थे, चलते हैं वीडियो को यहीं विराम देता हूँ, और इन भगवान को भी उधर आगे रास्ते में रोक के जाऊँगा, क्योंकि शाम को उधर से निकलता हूँ मैं, इधर रोक नहीं आता हूँ, इसलिए रास्ते में वहीं कहीं लुका चलूँगा इनको, और नी पड़ी व्यवस्था तो घर लेके जाऊँगा, क्योंकि यहाँ लुकाने की आवश्यक जगह मिल गई तो घर लगा दूँगा, नहीं कोई उठा ले जाएगा इनको। ये उस समय के शमशान स्थान है, ये पूरा शमशान था, तो के समय अनुसार ये ठीकरिया वगैरह ये हटकिया से जो क्रियाक्रम की ठीकरिया वगैरह ये पड़ी हुई थी, यहाँ के पुराने जो स्थानीय लोग थे जो अपने समय से देखते आए थे, बचपन से लेकर आज के समय तक उनका जीवन व्यापन हो, कोई 80 साल का था, कोई 90 साल के थे, तो उन लोगों ने बताया था कि ये शमशान था, तो मैंने वीडियो व्यवस्था नहीं थी मेरे पास उसे शूट करने की, तब देखे थे ठीक है वगैरह, ये टीला ऊपर का शमशान स्थान था यहाँ का। अब ये क्या नाम अपने पापड़ के वो भोलेनाथ का स्थान वाला हो सकता है, और ये
बारह बजे चौकी से उन लोगों का अवसर चाहिए, क्योंकि यही लोगों की बस इन्हीं लोगों की बचाव। इतिहास की ओरिजिनल जानकारी मैंने काफ़ी रिसर्च किया इसलिए बता पाता हूँ, और सभी यहाँ के स्थानीय पुराने लोग थे उनसे चर्चा करता हूँ मैं चला के। अब जब कुछ व्यक्ति रह गए बाकी सब जा चुके हैं संसार को छोड़ के। यह है वो जो मंदिर बता रहा सतीश जी का, जहाँ मैं नॉर्थ के हिसाब से आ रहा हूँ और हमेशा यहाँ सेवा चाकरी करते रहते हैं। अभी आज अष्टमी है तो अष्टमी का भोग लगाने के लिए भी आया हुआ हूँ, डेली आ रहा हूँ नवरात्र से। ये हमारे कानू हैं, उनको सजा सजा के बैठा दिया, पानी भर के गिलास पानी पिला दिया इनको। अब हलवा माता जी भोग लगेगा जो हलवा लेके आया हूँ। तो अष्टमी आज हमारे जमाई माता केला माता पूछती, तो ये फूल माला लेके आया हूँ, ये मेरे लुंगी का कपड़ा लेके आया हूँ, कुर्ता सिलने के लिए गया हुआ है, और ये घर से हलवा बना के लेके आया हूँ जो पंचमी वाह वगैरह यहाँ मिलाऊँगा और माता जी भोग लगाने का है। ये मेरा चौकड़िया मुहूर्त है, अभी ऐसा मुहूर्त चल रहा है। ये पीपे वगैरह मेरी किताबें और प्रसाद भोग विलास का सामान है इसमें रखा हुआ, और इधर ये मैंने आके मेरी चाय की व्यवस्था बना ली है। दो चाय बनाऊँगा जो भी भगवान के चढ़ा दूँगा, एक जाती टाइम पी लूँगा, एक अभी ये घर से पानी भर के ले गया था बोमा जी मंदिर से, वो बर्तनों को मांजने के लिए रख दिए और इसमें मांज दो के साफ करके पानी भर के रख दिया। पहले मंदिर का पूरा चारों तरफ का दिखा देता हूँ। ये भी सतीश जी का ही मंदिर है। अभी श्याम लाल ने हमारे कानू को विराजमान कर रखा है यहाँ पे। ये मूर्ति भी सफाई कर दी है कट इधर ये पीछे से, ये सफाई करी थी मंदिर में जगह बनाने के हिसाब अनुसार, ताकि ये व्यवस्था बनी रहे कि ये मलबा भर दिया खड्ढा हो रहे हैं यहाँ निकली थी, इसको मूर्ति के यहाँ विराजमान कर दिए। और यहाँ सिल्ला लेक में थी तो वो कोई निकाल ले गया, तो एक खंडर हो गई पहले साफ होती उस मंदिर में रखी हुई थी, तो किसी ने फोड़ फोड़ा दी तो फिर रस्ते शाम और सफाई में मिली रही, वहाँ से उठा के उनको यहाँ विराजमान कर दिया। और ये अभी चूल्हा है, चूल्हा जलाऊंगा, और ये मच्छर ज़्यादा हो रहा था इसके लिए घास कर लिया, अभी धुआं करूँगा तो ये मच्छर सारे भग जाएंगे। आते पहले काटना चालू कर दिया, झाड़ा बुआरी वगैरह कर दिए, और इस घंटी को भी अटाक दिया मंदिर के। ये हवा चलेगी तो यहाँ पे बजती रहेगी, बज जाके दिखाता हूँ हवा के हिसाब से कैसे बजेगी, इस तरीके से बजती रहेगी। और अंदर राजो गणेश जी को विराजमान कर दिया, ये मेरे नवरात्र स्थापना कर रखी है। सामने केला माता जी का मंदिर है, फोटो है, और ये नवरात्र का घर बना रखा माता जी का, ऊपर जवारे को रखे थे, नीचे चूहे वगैरह नाश नहीं करते इसलिए इन गणेश जी को यहाँ विराजमान कर दिया। और ये सती जी का फोटो है, ये पत्थर में जड़ी हुई है, और शिवलिंग है, तो इन शिवलिंग को यहाँ पे यहाँ की बजाय यहाँ भोलेनाथ के ले जाऊँगा, तो बस भोलेनाथ के मंदिर में सेवा उचित रहेंगी। और मेरे नवरात्र का भी कार्य है जो आज अष्टमी का भोग लगाना, फिर कल नवमी का भोग लगेगा, परसों दशहरे का भोग लगा के और नवरात्र की समापन कर दूँगा। ये हमारे मंदिर का यहाँ का वातावरण है, चारों तरफ का लोकेशन है, नीचे से आने का रास्ता है, इधर ये चूगा वगैरह बना रखा नीचे मैंने, वो भी दिखाया था चल के। नीचे पशु पक्षियों के लिए श्यामा दाना पानी लेके आता है, कई तोतों और इनके लिए वो गया तोता उड़ के, अभी कल परसों आके डाल के गया था, तो काम धंधे के हिसाब से वो नहीं आ पा रहा है, तो यहाँ चौपैया जानवरों के लिए डाल दिया जाता है, रोटी वगैरह जो भी कुछ खाने पीने का सामान आता है तो वो यहाँ से खा जाते हैं, और नीचे दाना डाल देते हैं तो दाना नीचे सूख जाते हैं जानवर, इनको खुला बना देता है कि कोई शिकारी जानवर इनका शिकार नहीं कर सके, इसी हिसाब से बना रखा है, सब जानवर खाते हैं आराम से और उड़ जाते हैं। इस चारों तरफ की मंदिर की व्यवस्था है, ऊपर बना रखे हैं पाल में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही जानकारी वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
और वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्रेमी प्राकृतिक प्रेमियों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करना न भूले। चाय बनती है और नीचे जाग चो जाएंगे लाइटें जला दिए, मंदिर में दे रहा होगा तो उस मंदिर में लगाया तो ये बढ़िया काम हो रहा है, पुराने समय का काम हो जाता है इसमें। पुराने समय के हिसाब से मैं टाक देता हूँ इसको, रोशनी होती रहती है। चाय शांति है, भगवान को बना के रखती है चाय, क्या खानों देंगे पी लेंगे इस चाय को। एक चाय अंदर माता जी के रख देते हैं, धुआं करने के लिए घास दबा दिए, अभी धुआं होती रहेगी। जंगल में ऐसे धुआं कर लो ताकि मच्छर हो तो सब भग जाएंगे, ये धुआं हो जाएगा चारों तरफ और मच्छर ये देते जाएगा। रोज यही करता हूँ काम, आगे सूखे पत्तों को लाके इसमें चूल्हे में दबा देता हूँ, धुआं होती रहती है चारों तरफ, अभी धुआं फैल जाएगी। दिया बत्ती कर दिए, माला वगैरह सब अर्पण कर दिए, दीपक जला दिए और नीचे भी दीपक जला दिए, अगरबत्ती वगैरह कर दिए, कानों को मेरे यहाँ विराजमान कर दिए, शिवलिंग में दीपक जला दिए, केला माता की माला वगैरह चला दी, दीपक कर दिया, अगरबत्ती कर दी, पानी का लोटा करके रख दिया। इसी प्रकार से इधर ये बालाजी का बजरंग बली का कर रखा कर रहे हैं, इधर दीपक इनका बजरंग बली का कर दिया, इधर भैरव जी का कर दिया और इनका कर दिया, ऊपर अगरबत्ती लगा दिए और भोग की तैयारी कर रहा हूँ। जागते हो गए, भोग की तैयारी कर लाया हूँ और ये हलवा लगा दिया, इधर पताशे रखे हैं थोड़ा चूरा हो गया, फिर पंचमेवा है, इलायची है और लौंग वगैरह भी भूजा, लौंग लेके आऊँगा। ये गूगल धूप है, ये सादा धूप है, ये कपूर है, ये जाग तो कर दिए और अभी भोग लगाने की तैयारी कर रहा हूँ। भोग लगा दिया सभी देवी देवताओं को, आज की आठवा नवरात्र, आठवा नवरात्र माँ की भागवती जी की भी भोग लग गए, कानू बैठे हुए हैं मेरे और सभी के श्रृंगार वगैरह कर दी थी, आवती वगैरह कर दी थी। अब भोग पक गया, फिर सब बात करके फिर रवाना भी लूँगा यहाँ से, 7:15 बज गए, अब जा रहा हूँ। सब भोग वगैरह लगा दिया, पर्दा लगा दिया मंदिर के, ताला लगा दिया, दीपक वगैरह जल रहे हैं, बड़े होने वाले हैं थोड़ी देर बाद में, उधर भी कर दिया, उधर भी कर रखा है, चलते हैं। जय माता जी की।